हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि जो बिटकॉइन की ETF की एप्लीकेशन थी उनके ऊपर SEC का रिव्यू सामने आ रहा है। इसमें खासकर वैनिक है, इसी के साथ ARK61 शेयर्स है और भी तीन है, यानी कि सबसे बड़े जो ETFs होने वाले हैं, जिसे क्या है क्रिप्टो की जो अडॉप्शन है पूरे वर्ल्ड में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिससे ओवरऑल क्रिप्टो का वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड इसका मतलब ये भी है कि मार्केट कैप भी बढ़ने वाला है। यही कारण है कि अभी बिटकॉइन बहुत बड़ा मूव ले सकता है और आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन का एनालिसिस भी करने वाले हैं क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क बाइनेंस के ऊपर आने वाला है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC का प्राइस $35,000 से भी ऊपर जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन चल रही है, यानी कि BTC का प्राइस $30,000 के आसपास चल रहा है। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट काम कर रही है, जिसकी वजह से प्राइस इससे नीचे नहीं गिरा है, तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस पूरा डिटेल में करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, जो है वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स हमेशा टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलने वाली हैं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना करें। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट पॉजिटिव चीज़ है वो है बिटकॉइन के ETFs। तो ETF क्या होते हैं? एक्चुअल में अगर हम शेयर्स बाय करते हैं तो वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं। अब ETFs कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या है कि बिटकॉइन के बेसिस पर एक शेयर के तरीके से ETF बनाया जाएगा जो कि ट्रेड होता है एक्सचेंजेस के ऊपर। अब ETF में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जैसे कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा लोगों का, ट्रेडर्स का, उससे क्या कि इस ETF का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको प्रॉफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल मतलब ये होता है कि मार्केट में क्रिप्टो की अडॉप्शन बढ़ रही है या बिटकॉइन की अडॉप्शन बढ़ रही है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग इसका ये, अगर SEC ने अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि जो USA है या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसीज को समहाउ एक तरीके से ग्रीन फ्लैग दे रही है कि आप हमारे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हो, इकॉनमी में बिटकॉइन की अडॉप्शन और बढ़ेगी। तो यहाँ पे टोटल 5 ETF एप्लीकेशंस है, जिसमें वाइस ओरिजिन है, विजडम ट्री, वेनेक, इन्वेस्को गैलेक्सी एंड ARK21 शेयर्स। तो अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो इनको NASDAQ के ऊपर लाया जाएगा, वहाँ पे जब इनको ट्रेड किया जाएगा एक्सचेंज ट्रेडर फंड्स को, तो ऑल ओवर जो BTC का प्राइस एंड ARK21s का प्राइस एकदम से बहुत ही बड़ा मूव लेने वाला है। तो एक्चुअल में इस रिव्यू के साथ साथ जो US के SEC है, उन्होंने विंडो ओपन करी है फॉर पब्लिक ओपिनियन कि इन बिटकॉइन ETFs को अप्रूव किया जाना चाहिए या नहीं, या फिर इनमें कुछ कमी पेशी है तो इसको किसी ना किसी तरीके से ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स रहने वाले, ट्रेडर्स रहने वाले या फिर जो जनरल पब्लिक है, वो अपने व्यू पॉइंट देंगे बिटकॉइन ETFs के ऊपर, इनकी फाइलिंग्स के ऊपर, कि इनका अप्रूवल होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे SEC ने कहा है कि वी इनकरेज द पब्लिक टू सबमिट कमेंट्स ऑन BZX एक्सचेंज इन जिसके ऊपर फाइलिंग्स करेगी इन ETFs की। तो ये एक्चुअल में पब्लिक ओपिनियन चाह रहे हैं, यानी कि जो असल में ट्रेडर्स हैं तो उनका क्या मानना है, क्या वो इसमें इन्वेस्ट करने वाले ही नहीं या फिर उनको भी इसमें रिस्क लग रहा है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो बहुत ही बड़ी लंबी रैली हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि BTC का प्राइस अभी करीब $30,000 के आसपास चल रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी रिजेक्शन जो देख पा रहे हैं, वो 31,800 के आसपास बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है, जिस वजह से प्राइस यहाँ से ऊपर 35,000 की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन एक छोटा सा पुश होगा जिसकी वजह से एकदम ये प्राइस ऊपर जा सकता है। और वैसे भी हमें पॉजिटिव इन्फ्लेशन डेटा मिला था पिछले ही हफ्ते, तो अगर यहाँ पे हमें पुल बैक नहीं मिलता, यानी कि $30,000 से प्राइस नीचे नहीं गिरता है, तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, जो कि सबसे पहले $35,000 तक जाएगा। अगर ये वैलिडेट हो जाता है तो 38,000 जाने में भी कोई खास टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन जो अभी हमने $30,100-$30,200 के आसपास प्राइस देखा है, ये रिक्लेम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस पहुँचेगा तभी हमें अपसाइड की कंटिन्यूस मूवमेंट देखने को मिलेगी, और वही एग्जैक्टली सेम ऐसा हो भी रहा है। इस कारण हम इसको एक तूफान के आने से पहले की शांति भी मान सकते हैं, कि कुछ टाइम के लिए अभी जो शांत दिख रहा है ये फिर से लंबी रैली भी ले सकता है। क्योंकि AEC के साथ एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वो ये है कि जो बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क है, ये प्रोटोकॉल आने वाला है बाइनेंस के ऊपर, जिससे क्या कि स्केलेबिलिटी बढ़ेगी बिटकॉइन की, क्योंकि ये बिटकॉइन का Layer 2 सोल्यूशन है, इससे स्पीड भी बढ़ेगी और भी ज़्यादा चीपर ट्रांजेक्शन्स होने वाली है, बहुत ही कम प्राइस पर होने वाली हैं। तो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतना ही अच्छा प्राइस BTC का मूव होने वाला है, क्योंकि फिर इसी में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आएंगी। क्योंकि जनरली जैसे कि हम देखते हैं, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, फॉर एग्जांपल BNB है,
बाइनेंस चेन को हम कितना ज़्यादा मानते हैं, वैसे ही अभी जो बिटकॉइन का नेटवर्क है ये भी एडवांस हो जाएगा। एंड इथेरियम का हमने अभी देख ही लिया कि ऑलरेडी इसमें कुछ डेवलपमेंट चल रही हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे इन्होंने अपना जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बदला है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बुरी अपडेट भी है, वो है यूके के फाइनेंशियल मार्केट से। वहाँ का जो FCA यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी ऐसी ऐड नहीं डाल सकते या फिर ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते जिससे कोई भी मिसलीड हो जाए। लेकिन एक खासकर अल्टीमेटम उनको दिया गया जो इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि हम हैं इंडिया में या फिर जो USA में है, और ये दिया गया UK के इन्फ्लुएंसर्स को जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जैसे कि हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ों को हटाया गया जैसे कि रेफर ए फ्रेंड, जैसे कि हम रेफर करके, या फिर ऐसी पोंजी स्कीम्स हैं यानी 25 दिन में पैसा डबल, इस तरह की स्कीम्स को हटाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। तो ये डायरेक्टली क्रिप्टो के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर। ओवरऑल मेरा मानना यह है कि अभी बहुत अच्छी मार्केट चल रही है और यही पॉइंट है जहां से हमें एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है। आपका क्या मानना है इसके बारे में, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कॉइंस कवर करने वाला हूं जो आप अभी बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, खासकर अगर आपने टेलीग्राम हमारा ज्वाइन किया हुआ है वॉफ्टेड ऑफिशियल, तो वहां पे आपको वैसे ही कुछ ना कुछ नई अपडेट्स, अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी से लाइक कर दो इस वीडियो को और इसी के साथ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड उन लोगों के साथ, ट्रेडर्स के साथ जो अभी वेट कर रहे थे बिटकॉइन रैली की। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।